वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज सूरज नांद्रेकर फॉर गोयंकारपण. वी हैव विथ अस द सिस्टर ऑफ क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, मिस अंजू सहवाग. शी इज कम टू कैंपेन फॉर सुदेश मयेकर इन कलांगुट एंड वील आस्क हर व्हाट हाउ शी सीज द रिस्पॉन्स. मैडम, कैसे लग रहा है आपको गोवा में आम आदमी पार्टी का को लोगों का रिस्पॉन्स और कलांगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे आप ये कैंपेनिंग कर रहे हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है. यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं और क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं तो हम भी लोगों को दिल्ली के मॉडल के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज किया है, हेल्थ में बहुत काम किया है, औरतों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, दिल्ली को पूरा चेंज किया है. तो दिल्ली मॉडल अगर यहाँ पे लागू होता है, आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो 100% गोवा में भी पूरा बदलाव देखने को मिलेगा. और कलांगुट के लोग काफ़ी खुश हैं सुदेश जी से, क्योंकि यहाँ पे जो उनके अगेंस्ट लोग हैं माइकल लोबो और बाकी अदर काफ़ी स्ट्रांग भी हैं और काफ़ी बदनाम भी हैं. तो आई होप, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि सुदेश जी जीतेंगे और आम आदमी पार्टी गोवा में स्थापित हो जाएगी. उसके बाद गोवा में जो चेंज देखने को मिलेगा, गोवा को पैराडाइज बोलते थे तो फिर शायद ये पैराडाइज वापिस आएगा और गोवा के लोगों की भलाई के लिए बहुत काम होगा. तो मैडम, आप जैसे कैंपेन कर रही है, वीरेंद्र सहवाग जी भी आम आदमी को एंडोर्स कर रहे हैं या नहीं? ये मेरा पर्सनल है. वीरेंद्र सहवाग जी इज अ फिनोमिनल. वो हर पार्टी के लोगों, वो एक स्टार है इंडिया का, उसके लिए सारी पार्टी एक बराबर है. ही बिलोंग्स टू मी, दैट्स व्हाई ही सपोर्ट्स मी, वेदर ही मैडम, आपको आप हमें थोड़े में बता सकती है कि दिल्ली में क्या अलग है गोवा से? मतलब आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रही है, हेल्थ के बारे में हमारे दर्शकों को आप बता सकेंगे कि क्या डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन? बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हम तो एज ए टूरिस्ट आए हैं, पहले आज कैंपेन करने आए हैं. जो सुदेश जी बोल रहे हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं क्योंकि ड्रग्स का और इन चीजों का इतना ज्यादा प्रभाव है, तो यू नीड हेल्थ ना, वहाँ पे उतना ज़्यादा है नहीं. कुछ हॉस्पिटल्स और जो हैं सेक्टर्स, जो मैंने सुना है यहाँ के लोगों से, दे आर नॉट हैप्पी. लैंड माफिया इतना ज़्यादा है, पीपल आर अग्रेसिव टुवर्ड्स द पीपल हु आर नॉट गिविंग देम चांसेस टू डू समथिंग. सो पीपल आर वेरी एजिटेटेड, दे वॉन्ट चेंज दिस टाइम, दे आर फेड अप विद बीजेपी एंड कांग्रेस. सो दे वॉन्ट्स, दे नो कि दिल्ली में काम हुआ है तो दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पहले देखो, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में और आज दिल्ली में जो स्कूल्स हैं, जमीन आसमान का फर्क है. सो यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, बच्चों को जो है ड्रग्स छोड़ के बाकी चीज़ों में ध्यान लगाए, उनको रोजगार मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं गोवा में जो होनी बाकी है. आजकल जो आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, बिल्डर माफिया है, पता नहीं क्या क्या है आदि चीज़ें, तो मुझे पता भी नहीं है. सो आई होप करप्शन फ्री है दिल्ली आज के डेट में. आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी गोवा में कुछ कर सकती है? मतलब डू यू थिंक लास्ट टाइम देयर स्कोर वाज अ जीरो, दे डिडंट गेट एनी सीट, सो आपको इस बार का कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? बेटर है, मच बेटर देन बिफोर. काफ़ी फर्क है, लोग इस बार लोग थोड़े से जागरूक हैं. लोगों को थोड़ा सा ये एहसास, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस सरकार बनी, जो बीजेपी ने किया, MLAs को डराया, धमकाया, अपनी तरफ किया, उससे लोग थोड़े से परेशान हैं. और दिस टाइम दे वांट चेंज एंड दे वांट कि एक स्टेबल सरकार हो जो उनके लिए काम करे, नॉट फॉर देमसेल्स, जो लोगों के लिए काम करे. और आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये करके दिखाया है, और एक ग्रोइंग पार्टी है और एक ऑनेस्ट पार्टी है. दे वॉन्ट टू वर्क फॉर पीपल, नॉट फॉर देमसेल्स. सो आई होप गोवा में भी दिस टाइम विल गेट सम सीट्स. Thank you very much for giving your time. We wish all the best to Aam Aadmi Party. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you.